स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। इस वीडियो में देखेंगे सेवन क्लास का साइंस चैप्टर फोर अपशिष्ट जल और कारण और निपटान, इस तरह से चैप्टर का नाम है। उसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे ना, चैप्टर तो समझा दिए, क्वेश्चन आंसर नहीं कराए थे तो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं इसका। और एक चैप्टर पढ़ा समझा दिए हैं, पाँचवा चैप्टर भी, लेकिन उसका भी क्वेश्चन आंसर नहीं किए, तो क्वेश्चन आंसर कर लेंगे दोनों का, उसके बाद फिर नेक्स्ट चैप्टर समझाएंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान है उसको भरना है, नालियाँ खाली स्थान और खाली स्थान के द्वारा अवरुद्ध हो जाती है, अवरुद्ध मतलब रुक जाती है, नालियाँ जो बहती रहती है उसमें कुछ कचरा जम जाता है तो वो रुक जाती है, तो वो कैसा कैसा कौन कौन सा कचरा से रुक सकती है उसको लिखना है। तो जैसे यहाँ पे खिलौना सब हो गया, मृद खिलौना और सैनिटरी टॉवल सब, कपड़ा उपड़ा रहेगा तो जाम हो जाता है, खिलौना सब प्लास्टिक का या लोहा का कुछ वस्तु भी है तो भी नाली जाम हो जाता है, ठीक है। तो इसमें भरा सकता है अपने मर्जी से भी, यहाँ कुछ भर सकते हैं। घर द्वारा निर्मुक्त किए जाने वाला अपशिष्ट जल क्या कहलाता है, घर से जो पानी निकालते हैं जो अपशिष्ट जल उसको क्या बोलते हैं, तो वाहित मल कहते हैं। देखिए यही बोला भरा है ना, वाहित मल कहते हैं। और वाहित मल में जीवाणु, खाली स्थान रोग उत्पन्न करता है, तो मलेरिया टाइफाइड या हैजा ये सब रोग उत्पन्न करता है जीवाणु, है ना। मलेरिया नहीं होगा, मलेरिया तो मच्छर के, जीवाणु जो मल में वाहित मल में है उससे हैजा और टाइफाइड रोग उत्पन्न होगा। अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद, अपशिष्ट जल उपचार के सह उत्पाद खाली स्थान है, तो प्राथमिक कीचड़ और एक होगा द्वितीय कीचड़, उपचार प्राथमिक कीचड़ और द्वितीय कीचड़ है अपशिष्ट जल का उपचार का उत्पादन है ना। दो तरह का उत्पादन पढ़े थे कि जो अपशिष्ट जल यानी गंदा पानी उसको उपचार करने के लिए साफ करने में दो तरह का कीचड़ हमको प्राप्त होता है, एक तो शुरू वाला को प्राथमिक कीचड़ कहते हैं, दूसरा को द्वितीयक कीचड़ कहते हैं, ठीक है। तो ये उत्पाद के रूप में जिसका उपयोग खाद उद के रूप में कर सकते हैं या कोई चीज़ को भरने में गड्ढा उड्ढा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, खंड कॉक में दिए गए शब्द मिलान खंड ख से कीजिए, मतलब मिलाना है, तो चलिए देखते हैं। पहला है अकार्बनिक अशुद्धियाँ किससे मिलेगा, नाइट्रेट धातु है, हैजा टाइफाइड मानव मल यूरिया किससे होगा, तो ये नाइट्रेट धातु कार्बनिक अशुद्धियाँ जो है नाइट्रेट धातु होते हैं जिसको अकार्बनिक अशुद्धियाँ कहते हैं। कार्बनिक अशुद्धियाँ रहेगा तो खत्म हो जाता है, है ना। दूसरा क्वेश्चन है जीवाणु किससे होगा मिलेगा, ये तीसरे हो गया, जीवाणु से हैजा और टाइफाइड होता है, तो ये हो जाएगा इसका। पोषक तत्व में फॉस्फोरस रहेगा, फॉस्फोरस पोषक तत्व है, फॉस्फोरस, ठीक है। कार्बनिक अशुद्धियाँ, कार्बन से मानव मल यूरिया मूत्र ये सब कार्बनिक अशुद्धियाँ हैं, ठीक है। मानव माने इंसान का मल मूत्र यूरिया ये सब क्या है, अशुद्धियाँ, कार्बनिक अशुद्धियाँ। अकार्बनिक में नाइट्रोजन नाइट्रेट धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा क्वेश्चन, सही में सही का निशान लगाना है, गलत में नहीं सही खाली चुनना है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा स्वच्छ जल की अपेक्षा क्या होता है, दूषित जल में ऑक्सीजन की मात्रा साफ पानी से की अपेक्षा कम होती है ऑक्सीजन की मात्रा, ठीक है। इसलिए तो ज़्यादा जो पानी में रहने वाले जीव है उन लोग के लिए भी नुकसानदायक होता है, यानी उन लोग का भी शोषण क्रिया सही से नहीं हो पाता है। वर्मी कंपोस्ट किसे, केचुआ से तैयार होता है, ठीक है। जैव अनिम्नीकरण कचरा क्या है, तो अनिम्नीकरण यानी जो सड़ता गलता नहीं वो कचरा, फल का छिलका तो सड़ जाएगा, मलमूत्र सड़ जाएगा, पौधा का अवशेष भी सड़ जाएगा, लेकिन पोलोथीन नहीं सड़ेगा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। दूषित जल जनित रोग, दूषित जल यानी खराब पानी पियेंगे तो कौन सा बीमारी होगी, रेबीज डेंगू मलेरिया रक्त अलपता, किस क्या होगा, दूषित जल से डेंगू मलेरिया मच्छर रक्त की कमी, ये अजीब अजीब ऑप्शन है, रक्त अलपता, चलिए ये होगा। निम्न में से कौन सा दूषित जल उपचार के उत्पादक है, दूषित जल के उपचार में कौन सा उत्पादन हमको मिलता है, वो क्या है, तो स्लज कीचड़ जो कि उधर भी था, दो तरह का कीचड़, प्राथमिक कीचड़ और द्वितीयक कीचड़,
बायोगैस, अच्छा बायोगैस भी हो सकता है, तो दोनों ऑप्शन यहाँ है देखिए, बायोगैस और स्लज यानी कीचड़। तो बायोगैस भी दूसरी जल से हम बना सकते हैं जो कीचड़ उसका है उससे, और कीचड़ तो और भी प्रयोग हो सकता है। तो ये दोनों सेम चीज़ है, बायोगैस भी कीचड़ जैसे बनता है, तो बायोगैस और स्लज अलग अलग है, दोनों में है तो ये दोनों बना सकते हैं, तो इसलिए ऑप्शन सही यही होगा। मनुष्य के विभिन्न गतिविधियों द्वारा जल को प्रदूषित करने का कारण कई जल जनित बीमारियां फैलती हैं, निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी नहीं है। जल जनित मानी पानी से फैलने वाली बीमारी कौन सी नहीं है उसको बताना है। जाता है टाइफाइड भी है, पेचिस भी है, दमा नहीं है। दमा ये तो सांस से संबंधित बीमारी है, ठीक है, दमा सांस से संबंधित बीमारी है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, चौथा क्वेश्चन देखिए, जल जनित किन्हीं दो रोगों का नाम लिखिए, हेपेटाइटिस पेचिस ये भी जल जनित रोग है। दूषित जल क्या है, यहाँ यह कहाँ कहाँ से निकलता है। दूषित जल देखिए, मानव क्रियाकलापों में उपयोग के उपरांत पुनः उपयोग में ना आने वाला जल दूषित जल कहलाता है। मानव क्रियाकलाप, इंसान जो क्रियाकलाप करता है, मानव काम धंधा करता है, उसमें जो खराब पानी हो गया जिसका प्रयोग फिर से हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे ही पानी को दूषित जल कहते हैं। यह घर से भी निकल सकता है, उद्योग यानी फैक्ट्री से, होटल से, अस्पताल से, विद्यालय और अन्य संस्थानों से निकलता है। अगला क्वेश्चन है, जैव निम्नीकरण कचरे के तीन उदाहरण दीजिए। जैव निम्नीकरण यानी जो सड़ता गलता है उसका तीन को एग्जांपल देना है, मानव मल, यूरिया, फल और सब्जी का कचरा, ये सब सड़ गल जाता है। अगला क्वेश्चन है सातवां नंबर, खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण क्या है। खुली नालियों के जाम होने का मुख्य कारण है नालियों में डाला जाने वाला ठोस कचरा। ठोस रहेगा तो जाम कर देगा नाली को, है ना, जैसे कपड़ा हो गया, प्लास्टिक का टुकड़ा और अन्य बड़ी वस्तु, जिससे कि नाली जाम हो सकता है। शहरों में नगर निगम का कार्य बंद हो जाने पर क्या होगा। शहरों में नगर निगम का काम बंद होगा तो क्या होगा, चारों तरफ कचरा ही कचरा दिखेगा। नगर निगम का मुख्य जिम्मेदार शहरी क्षेत्रों में साफ रखना है, चूंकि शहरों की जनसंख्या अधिक होती है, प्रदूषण और कचरे भी अधिक होते हैं। यदि नगर निगम का कार्य बंद हो जाए तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप हो जाएगी, नालियों और कूड़ेदानों की उचित समय पर सफाई नहीं हो पाएगी, चारों ओर गंदगी का अंबार लगा रहेगा और बीमारियों का कारण बनेगा, है ना, बहुत ज़्यादा बीमारी फैल जाएगी। तो ये सब तो स्क्रीनशॉट लेते चलिएगा, समझा दिए हैं पूरा चैप्टर। अशुद्ध जल को साफ करने वाले तीन पदार्थों का नाम, अशुद्ध जल जो है उसको साफ करने का तीन पदार्थ का नाम, एक विरंजक चूर्ण हो गया जिसको ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं इंग्लिश में, एक फिटकरी होता है और रेत से भी साफ किया जा सकता है। दसवां क्वेश्चन है, वर्षा के दिनों में आप पेयजल कहाँ से प्राप्त करते हैं तथा कैसे शुद्ध करते हैं। बारिश के दिनों में कहाँ से पीने का पानी लेते हैं और उसको शुद्ध साफ कैसे करते हैं। वर्षा के दिनों में कुआं और नलकूप से पेयजल की प्राप्ति होती है, कुआं नलकूप से, खैर आजकल तो कुआं से अब देहात में भी नहीं पीता है कोई, नलकूप से है, है ना, या बोरिंग हो गया। इसे उपयोग से पूर्व फिल्टर का प्रयोग कर शुद्ध किया जाता है, फिल्टर करके शुद्ध कर लिया जाता है। यदि फिल्टर ना हो तो उसे उबाल कर भी शुद्ध किया जा सकता है, यानी गर्म करके भी शुद्ध किया जा सकता है, ठीक है, गर्म करके शुद्ध करके फिर पीना है। ग्यारहवां क्वेश्चन है, जल के दूषित होने में कौन से कारक जिम्मेवार है। जल के दूषित होने में निम्नलिखित कारक जिम्मेवार है, कार्बनिक अशुद्धियाँ जिम्मेदार है जैसे मानव मल, तेल, यूरिया, जैविक अपशिष्ट पदार्थ आदि। अकार्बनिक अशुद्धियाँ भी जिम्मेदार है जैसे नाइट्रेट, फास्फेट धातु। पोषक तत्व भी जिम्मेदार है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। रोगाणु जैसे हैजा, टाइफाइड, पेचिस, रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म, ये सब इसका ये है, ठीक है, बीमारी होगी रोगाणु। आप अपने घर तथा विद्यालय से निकलने वाले वाहित मल का निपटान या उपयोग किस तरह से करेंगे। वाहित मल मतलब गंदा पानी, हम सेप्टिक टैंक, रासायनिक शौचालय, कंपोस्ट पीट आदि का प्रयोग कर वाहित मल का निपटान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ संगठनों के द्वारा तकनीकी सुविधाएं प्रदान की जाती है जिनके इस्तेमाल से मानव मल से बायोगैस उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है। या तो हम टैंक, सेप्टिक टैंक बना देंगे, रासायनिक शौचालय बनाएंगे, कंपोस्टिंग पीट बनाएंगे, या कुछ कुछ संस्था जो होता है मानव मल से बायोगैस उत्पन्न करने का तकनीक हमको सुविधा देता है, तकनीक देता है, तो उसका प्रयोग करके हम बायोगैस बना सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, कितना क्वेश्चन है, प्लास्टिक का उपयोग का आज हर जगह खाद्य सामग्री रखने में किया जाता है, उपयोग के बाद इसका सही निपटान कैसे करेंगे।
प्लास्टिक के प्राकृतिक रूप से निम्नीकरण होने में बहुत समय लग जाता है। प्लास्टिक सड़ता गलता नहीं बहुत जल्दी है ना, बहुत समय लग जाता है, तथा यह प्रदूषण का भी बहुत बड़ा कारक है। ऐसी स्थिति में पुनः उपयोग पुनः चक्रण के द्वारा ही इसका निपटान किया जा सकता है। तो इसको मिट्टी उट्टी में दबा देंगे, जला देंगे तो भी समस्या है। तो इसका मेन इसका निपटान का सबसे बढ़िया उपाय है कि जितना प्लास्टिक है उसको इधर उधर फेंके नहीं, जमा करें और उसको फिर से पुनः चक्रण यानी फिर से उसका कोई वस्तु बना दिया जाए। ठीक है, फिर से उसका कोई वस्तु बन जाएगा तो काम आ जाएगा, फेंकिएगा तो फिर गड़बड़। अगला क्वेश्चन है, वाहित मल का सही निपटान क्यों आवश्यक है? वाहित मल वही खराब पानी का, वाहित मल जल में घुले अपशिष्ट को कहते हैं। ये वाहित मल नालियों को जाम करते हैं, जल प्रदूषण करते हैं। ये वाहित मल असंख्य रोगाणुओं के घर हैं जो पेचिश, टाइफाइड, हैजा आदि खतरनाक बीमारियों के कारण है। इन रोगों से बचने और जल प्रदूषण को रोकने के लिए वाहित मल का उपचार आवश्यक है। तो ये बीमारी का घर भी है, बहुत सारी बीमारी होती है, ये सब से बचने के लिए वाहित मल का निपटान आवश्यक है। तब ये थोड़ा गड़बड़ है जी कि कीटना 15 क्वेश्चन, कीटनाशकों तथा उर्वरकों के बेतहाशा उपयोग से कैसे जल दूषित हो रहा है? देखिए, कीटनाशक यानी वो दवा सब खेती बाड़ी में उपयोग होता है, उर्वरक केमिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो रहा है जिससे भी क्या हो रहा है, जल प्रदूषण हो रहा है, कैसे बताना है। देखिए, कीटनाशकों तथा उर्वरकों में हानिकारक रसायन होते हैं, केमिकल होते हैं जो कीटों और जल जीवों पर प्रतिकूल प्रभाव करता है। जो कीट और जल जीव जो है उस पर प्रतिकूल माने बुरा प्रभाव पड़ता डालता है उस पर, आज इनका बेतहाशा उपयोग हो रहा है। सही बात है, बिना इसका उपयोग का तो खेती नहीं होता, फसल नहीं होता। इनमें उपस्थित रसायन सिंचाई के जल के साथ बहते हुए जल स्रोतों में मिल जाता है। इसका जो केमिकल है सिंचाई का जल के साथ, वो धीरे धीरे वो जब मिट्टी में होता है, मिट्टी से बह के वो पानी में भी पहुंच जाता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, जल प्रदूषित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जैविक खाद किस तरह रासायनिक खाद से बेहतर है? तो जैविक खाद कैसे है बेहतर रासायनिक खाद से, वो बताना है। तो देखिए, जैविक खाद में किसी प्रकार का कोई केमिकल नहीं रहता है, वो किसी प्रकार का कोई प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, सबसे बड़ा फायदा यही है। ठीक है, तो जैविक खाद कार्बनिक पदार्थों से बनाई जाती है जिसमें रासायनिक खाद की तरह हानिकारक रसायन नहीं होता है। जैविक खाद मृदा की गुणवत्ता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालता है, साथ ही यह किसी तरह का कोई प्रदूषण नहीं करता। इस प्रकार जैविक खाद रासायनिक खाद से बेहतर है, इसीलिए जैविक खाद रासायनिक खाद से बेहतर है। ठीक है, अच्छा अब बताइए कहाँ बताना है भाई, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिर से रिक्त स्थान करने से, अच्छा चलिए, रिक्त स्थान स्थान जहाँ से वाहित मल निकलता है, उद्योग, उद्योग से वाहित मल अन्य अपशिष्ट पदार्थ क्या निकलता है, उद्योग से फैक्ट्री से हानिकारक रासायनिक पदार्थ निकलेगा, केमिकल निकलेगा, फैक्ट्री है तो केमिकल का प्रयोग होता होगा है, तेल, सब्जी का अवशेष, पका हुआ अनाज, प्लास्टिक, कपड़ा, कागज, ये सब कहाँ से, होटल से निकलेगा है ना, अस्पताल से कहाँ निकलेगा, तो रासायनिक कचरा निकलेगा। उसी तरह बोल रहा है घर से कहाँ निकलेगा वो बताओ, तो घर से कहाँ निकलेगा, वाहित मल निकलेगा है, वाहित मल मैंने गंदा पानी निकलेगा, लेटरिन बाथरूम का पानी, स्कूल से भी वाहित मल निकल सकता है और कागज उगज का अपशिष्ट भी है ना, तो ये लिख सकते तो यहाँ पे आप भर सकते अपने से। और है क्वेश्चन, बाप रे बाप कितना है रे भाई, अच्छा चलिए एक और, ये हो गया। तो ये घर से फल सब्जी का अवशेष निकलेगा, बचा हुआ भोजन, कागज, कपड़ा, पुराना सामान, ये सब निकलेगा। स्कूल आसपास टूटी मेज, कुर्सी, चौक, पाउडर, पुरानी फाइलें, कागज, ये सब निकलेगा है ना। अब बताना, फिर से बताना है, क्या बताना, प्रदूषित जल को स्वच्छ रखने के लिए घरेलू उपाय, घरेलू उपाय क्या है, प्रदूषित जल से होने वाले 5 रोग का नाम और क्या है, जल को प्रदूषित होने से बचाने से संबंधित कुछ स्लोगन लिखिए। जल है तो कल है, क्या बताना है, घरेलू उपाय पानी साफ करने का, तो उबाल कर गर्म करके, फिल्टर करके है ना, फिल्टर का इस्तेमाल करके, ब्लीचिंग पाउडर या फैक्ट्री का इस्तेमाल करके, ये घरेलू उपाय है। बीमारी बोला है दूसरा में 5 रोग, डायरिया, पेचिस, हैजा, टाइफाइड, मलेरिया, ये सब बीमारी होता है। स्लोगन एक ठो लिखने बोला है, तो जल ही जीवन है, बढ़िया स्लोगन है, जल है तो कल है, जल की सुरक्षा रहेगा भविष्य का में अच्छा
भाई से अच्छा है। तो ये सब स्लोगन कुछ लिखना है तो स्लोगन आप लिख सकते हैं, अपने मर्जी से भी स्लोगन बनाने का प्रयास करें ताकि आपका थोड़ा सा माइंड वॉश हो, दिमाग में जोर लगाइए। और कुछ ऐसा लाइन लिखिए जो कि स्लोगन जैसा लगे, है ना। तो चलिए इतना ही क्वेश्चन है, इतना ही क्वेश्चन है इस चैप्टर में। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।